गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको चैप्टर 9 में एक्सरसाइज 9 बताने जा रहे हैं। इससे पहले एग्जाम से पहले आपको 9 तक पढ़ा चुके थे, बता चुके थे, जिसमें था आपका लेंथ, क्या था आपका मेजर ऑफ लेंथ तक बता चुके थे। अब नेक्स्ट है आपका मेजर ऑफ मास, MES, मेजर्स ऑफ मास। मास तो हो गया किसी भी चीज का वजन, जैसे हम लोग चीनी लेते हैं, 1 किलो चीनी लेते हैं या उसमें आधा किलो चीनी लेते हैं, उसको हम लोग किसमें करते हैं, ग्राम में। और वेट का जब भी हम लोग करते हैं तो इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, किलोग्राम है। इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है किलोग्राम, किलोग्राम। किसी भी चीज का अगर हम लोग वजन करते हैं तो किलोग्राम ही बोलते हैं। जैसे हम लोग अपना वजन करते हैं, जैसे मेरा 50 किलो है या 60 किलो होगा, आप लोग कितने 20 या 30 किलो के होंगे, तो ये क्या होता है, किलोग्राम, इसका स्टैंडर्ड यूनिट है। और हम लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम इक्वल टू क्या होता है, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होता है। अब इसे 1000 ग्राम बोले, जैसे 500 ग्राम क्या हुआ, अगर 1 kg का आधा, अगर हम लोग आधा किलो चीनी खरीद के जाते हैं, 1/2 kg का जाता है तो 500 ग्राम होता है। अगर कन्वर्सन ऑफ किलोग्राम इंटू ग्राम क्या है, अब नेक्स्ट है आपका कन्वर्सन, कन्वर्सन ऑफ किलोग्राम इंटू, मतलब किलोग्राम से ग्राम में हम लोग कैसे जाते हैं। तो हम लोग जैसे यहाँ पे हम बताएं कि 1 किलोग्राम इक्वल टू क्या था, 1000 ग्राम। जैसे एग्जांपल वाइज दिया हुआ है, वी नो, जैसे वी नो डैट 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट किलोग्राम इंटू ग्राम, अगर हम लोग किलोग्राम से ग्राम में जाएंगे, वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ किलोग्राम बाय 1000, तो हम लोग किलोग्राम से क्या करेंगे, 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपका दिया हुआ 7 kg इक्वल टू 10 ग्राम, तो 7 किलो में कितने ग्राम होते हैं, तो क्या करेंगे, 7 × 1000। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 1 किलो इक्वल टू क्या होता है, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो 7 × 1000। ये जैसे ही आप 1000 लिखते हैं तो यहाँ पे केजी है, तो यहाँ पे क्या होता है, ग्राम इक्वल टू 7000। तो ये 7 किलो में 7000 ग्राम होता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपका एग्जाम्पल ये दे रहे हैं कि 3 kg और 450 ग्राम क्या है, 3 kg और 450 ग्राम। अब क्या है, 3 kg को हम लोग क्या करेंगे, 3 × 1000 ग्राम, ये क्या हो गया, जैसे ही केजी को हम मतलब इसमें मल्टीप्लाई किए 1000 से, तो वो ग्राम में हो गया। अब इससे पहले आप लोग देखना है और लिख दीजिएगा, एग्जाम्पल में नहीं दिया हुआ, बुक में नहीं दिया हुआ है, इसको कीजिएगा 3 kg प्लस 450 ग्राम, क्या हुआ, 3 × 1000 ग्राम प्लस 450 ग्राम, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3000 ग्राम प्लस 450 ग्राम, ये हो जाएगा 3450 ग्राम। अगर हम केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा। अब अगर नेक्स्ट है आपका कि कन्वर्सन ऑफ ग्राम इंटू किलोग्राम, तो ग्राम से हम किलोग्राम में कैसे जाएंगे वो हम आपको बता रहे हैं। ग्राम, ग्राम इंटू किलोग्राम, ग्राम से हम किलोग्राम में कैसे जाएंगे, जैसे 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, ठीक उसी तरीके से 1 ग्राम इक्वल टू क्या होगा, 1 upon, मतलब 1, इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि 1/1000 ग्राम। जैसे केजी से ग्राम में जाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई किए, ठीक उसी तरीके से ग्राम से किलो में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्राम से किलो में जाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, जैसे हम 1 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये क्या हो जाएगा, केजी। जैसे आपका दिया हुआ है, इसमें अगर रहेगा 5000
ग्राम इक्वल टू डैश केजी। तो इसको क्या करेंगे, 5000 को हम लोग डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा। इक्वल टू क्या होगा, जैसे डिवाइड करते तो 5000 लिखते हैं और इसके नीचे 1000 ऐसे लिखते हैं। तो आप लोग जान बताया थे जितना जीरो होगा वो कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बता, सिर्फ 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 kg। ठीक उसी तरीके से आपके बुक में दिया हुआ है 6850 ग्राम इक्वल टू क्या होगा, कितना केजी होगा और कितना ग्राम होगा। तो ये क्या है आपका 6800। और आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि वो मीटर हो, किलोमीटर हो या केजी ग्राम हो, तो ग्राम जब भी होता है वो 3 डिजिट का होता है। क्या होता है, 3 डिजिट का होता है। वैसे भी आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये 6 है, ये 6 kg हो जाएगा, 850 ग्राम होगा इसका आंसर। तो कैसे होगा, तो 6000 को अलग कर देंगे हम लोग, प्लस 850 ग्राम लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, 6000 को हम लोग डिवाइड करेंगे 1000 से, प्लस 850 ग्राम, ये क्या हो जाएगा केजी। जैसे ही डिवाइड करेंगे 1000 से तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 30, ये 30 कट जाएगा, ये 6 है तो 6 kg हो गया और 850 ग्राम। ये हो गया आपका चैप्टर 9 की जो है वो आप लोगों को करना है। अगर समझ में ना आए तो आप लोग फिर से पूछ सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से ये चैप्टर बताएंगे। आज के लिए बस इतना है।